मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आज प्रचार प्रसार करने का अंतिम दिन है। इसी बीच अपने अनूठे अंदाज और दिलचस्प मिजाज के लिए जाने जाने वाले बहनों के भाई सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में परंपरा और रीति रिवाज से भाई दूज मनाया। इस अवसर पर बहनों ने उन्हें चुनाव में जीत का आशीर्वाद दिया। चुनावी काउंटडाउन के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी लाडली बहनों के साथ भाई दूज का पर्व मनाया। बड़ी संख्या में बहनें अपने लाडले भाई शिवराज सिंह चौहान के साथ भाई दूज मनाने सीएम हाउस पहुंची और उन्हें तिलक लगाकर भगवान से उनकी लंबी आयु की कामना की। इस अवसर पर लाडली बहनों ने भजन कीर्तन भी किया। भाई दूज के पर्व की शुभकामना देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं अपनी हर बहन को लखपति बनाऊंगा। इसके लिए हम लखपति बहना योजना शुरू कर रहे हैं। इसमें घर का कामकाज करते हुए हर बहन हर महीने कम से कम 10,000 रुपये कमाएगी, जिससे साल में उसकी आमदनी 1 लाख के ऊपर होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी 15 लाख बहनें लखपति हैं, लेकिन स्वसहायता समूह के माध्यम से अब इसे एक अभियान के रूप में चलाएंगे, एक आंदोलन बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बहन का आशीर्वाद मुझे ऊर्जा देता है। सभी बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बहनों की जिंदगी में सुख समृद्धि रहे, खुशियां रहे, इसके लिए सदैव मैं काम करता रहूंगा। लाडली लक्ष्मी योजना, उसके बाद बेटियों और बहनों को 35% रिजर्वेशन, पुलिस सहित सभी नौकरियों में केवल वन विभाग छोड़ के शिक्षकों में 50% रिजर्वेशन हमने पहले से दिया है। उसके बाद लाडली बहना योजना आई, जिसमें बहनों के खाते में अभी 1,250 रुपया जा रहे हैं, लेकिन ये बढ़ के क्रमशः 3,000 रुपया तक हम ले जाएंगे। लेकिन लाडली बहना के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं लखपति बहना योजना। लखपति बहना का मतलब है अपने घर का कामकाज करते हुए मेरी हर बहन कम से कम 10,000 रुपया महीना कमाए और साल में उसकी कमाई 1 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाए। अभी 15 लाख बहनें मेरी लखपति बहना हैं। स्वसहायता समूह के माध्यम से हर बहन को हम लखपति बहना बनाएंगे, एक अभियान के रूप में, एक आंदोलन के रूप में इस कार्यक्रम को हम चलाएंगे। एक बार मैं फिर अपनी सभी बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मेरी सभी बहनों को प्रणाम, उनका आशीर्वाद मुझे प्रदेश में और ताकत से काम करने की ऊर्जा देता है। सभी बहनों को प्रणाम, उनका भी कल्याण होगा और मध्य प्रदेश के कल्याण में भी मैं लगा रहूंगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।